पता नहीं मेरे जाने के बाद उन्होंने क्या बात की होगी, चागला ने क्या कहा होगा, क्या वो मेरी वजह से उससे ब्रेकअप कर लेगा। मैं ये क्या कह रही हूँ, असला क्या कर रही हो बेटा तुम? कुछ नहीं मॉम, मेहमान चले गए क्या? वो अभी अभी गए, बुराक की गर्लफ्रेंड और उसकी मॉम आए थे। उसकी मॉम मिसेस सिल्ला की बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छी बात है ना, वो बहुत खूबसूरत है, उसकी और मिस्टर बुराक की परफेक्ट जोड़ी है। समझ गई मॉम, आपको अभी भी काम है क्या, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, मैं किचन साफ करके अभी वापस आती हूँ। तुम दिन भर खड़ी रहती हो, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है मॉम। बुराक आइए मॉम। उफ, जब सब थे तो मैं पूछ ही नहीं पाई तुमसे, तुम दिन भर थे कहाँ आखिर, काम पर भी नहीं गए थे तुम? आज मुझे बहुत काम था। प्लीज अब कोई गलती मत कर बैठना, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारी और डैड की कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है। मुझे बस थोड़ा काम था मॉम, और कुछ नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात नहीं थी? चारला को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, वो तुमसे मिलने क्लब भी गई थी पर तुम वहाँ थे ही नहीं। कहाँ थे तुम? ये ठीक नहीं है बुराक, वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, जो अच्छी बात है। वो पूरी कोशिश कर रही थी ये दिखाने की कि उसे दुख नहीं हुआ है, पर वो कितनी दुखी लग रही थी। तुम उसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। जो भी समझ लो मॉम, मैं थक गया हूँ। सुनो बुराक, चारला काफी पेशेंट है, पर इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि वो तुम्हारी हर हरकत को सहन कर लेगी। सोच समझ कर बिहेव करो। आज जब हम सगाई की बात कर रहे थे, तुम बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे, वो कितनी एक्साइटेड थी और तुम ऐसे जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मॉम प्लीज, मुझे प्रेशराइज करना बंद करो, ये हम दोनों का फैसला है, हम डिसाइड करेंगे तो बेहतर होगा। बुराक मेरे बच्चे, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। वोल्कन को देखो, उस लड़की ने क्या हालत कर दी है उसकी, उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ऐसी लड़की मिलनी मुश्किल होगी जो हर तरह से हमारे परिवार के लिए सूटेबल हो। प्लीज उसकी कद्र करो, उसे दुख मत दो, वरना पछताओगे तुम एक दिन, देख लेना। सुनो मॉम, क्या हम आराम कर सकते हैं? ओके ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी चलती हूँ। कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी फैमिली, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी तक पहुंचे? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, किसी ने आपका पीछा किया और चुपके से आपकी फोटोज ले ली और फिर वो फोटोज एडा को भेज दी। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। कोई जो ऐसा कर सकता है वो और कुछ भी कर सकता है। अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो पहले आपको फोटोज भेजता और धमकाता और उसके बाद पैसे मांगता है। मुझे लगता है इसके पीछे जो भी है वो हमें फाइनेंशियली कम और इमोशनली ज्यादा हर्ट करना चाहता है। मुझे भी इसी चीज का डर है। पता नहीं ऐसी हरकत कौन कर सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। मुझसे ज्यादा और कोई तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, पर मुझे सोचकर बुरा लगता है कि तुम मेरे बारे में सोचते भी नहीं हो। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी, पर पहले हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाना होगा। अच्छा ठीक है डैड, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बेटा, मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। हाँ भाई। हेलो सिनान, मैं एलचिन के सामने पूछना नहीं चाहता था, पर ऐसा कैसी है? और कैसे हो सकती है, वो मुझसे नाराज और बहुत दुखी है। मामला जब ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो भी है मैं उसका हर हाल में पता लगा लूंगा, तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? उम्मीद तो है भाई। गुड नाइट। Thank you.
अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स पर यकीन नहीं है तो तुम मुझसे इतना डरती क्यों? यकीन नहीं होता, कितना मजेदार है, आखिर ये है क्या? बोट राइडिंग में मजा आ रहा है ना? मजा तो आ रहा है। बुराक और मैं, ये नामुमकिन है। मेरी मॉम, बुराक की फैमिली, चागला, बुराक ये सब नहीं जानता। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। पिक्चर्स आ गई, मैं तो इनके बारे में भूल ही गई थी। अच्छा सीन था ना? थोड़ा डरावना भी था। ठीक कह रही हो, हाँ, पर मेरे लिए यादगार भी था। और तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे लिए भी था। मैं ये क्या कह रही हूँ, मुझे पता है ये गलत है। ये क्या है, ये कैसी फीलिंग है, क्या ऐसी को प्यार कहते हैं? जानकर खुशी हुई। कल संडे है, हमारी छुट्टी, कल हम कहीं चल सकते हैं? वो मुझे डेट के लिए पूछ रहा है। नहीं, आज का दिन हमें भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक ही दिन में मेरी ऐसी हालत हो गई है तो पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं असला, अपनी मॉम के बारे में सोचो, अगर पता चल गया तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, उठकर तुम्हें कॉल करता हूँ, और अगर तुमने ना नहीं कहा तो मैं हाँ समझूंगा। गुड नाइट। यू हैव अ गुड नाइट टू। लाइफ में पहली बार इस तरह का प्यार एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं किसी का पीछा कर रहा हूं, ये भी अच्छा है। गुड मॉर्निंग। तो आज हम मिल रहे हैं, क्या करने का प्लान है? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग निहात। लगता है कल रात को नींद नहीं आई। मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाई रात भर। मैं भी ठीक से नहीं सो पाया, रात भर करवटें बदलता रहा। अच्छा सुनो, कल रात हम दोनों टेंशन में थे, तो चलो आज हम आइलैंड पे चलते हैं, क्या ख्याल है? आज? हाँ आज, क्यों नहीं,
हाँ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, ताजा हवा मिलेगी। तुमने बहुत अच्छा सोचा, मुझे ठीक नहीं लग रहा था अभी तक, फिर थोड़ा ठीक लगेगा। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले हम बॉस्पोरस पर जाकर बढ़िया सा नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से बोट से आइलैंड पर चलेंगे। हाँ ओ निहात, सोच कर ही मैं खुश हो गई हूँ। क्यों ना हम अपने साथ जाने के लिए सिनान और एल्चिन को भी इनवाइट कर लें, वो दोनों भी बहुत टेंशन में थे। ओके, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम बैठ के नाश्ता करो, मैं चाय लाती हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग। क्या आप एक कप कॉफी पिला सकती हैं प्लीज? बिल्कुल सर, ये है मेरी बेटी आसला। नाइस टू मीट यू आसला। नाइस टू मीट यू टू। मॉम, मैं अपना फोन कमरे में भूल कर आ गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है बुरक सर, बताइए आप कहाँ बैठे हैं, मैं कॉफी ला दूंगी। क्या आपको कॉफी चाहिए ना? हाँ हाँ, मैंने कॉफी मांगी थी। कॉफी कॉफी। मैं यहाँ हूँ, आप बना लीजिए, मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है सर। एल्चिन, हेलो डियर। निहात और मैं आज आइलैंड पर जाने का सोच रहे हैं। मैं सोच रही थी अगर कोई और काम ना हो तो तुम और सिनान भी हमारे साथ आ जाओ। पता नहीं, बिल्कुल हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाले थे, पर मैं सिनान से पूछकर आपको बताती हूँ, ठीक है? बिल्कुल डियर, मैं इंतज़ार करती हूँ। ओके बाय। मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ऐदा को कैसा लग रहा है? वो मुझसे बात नहीं कर रही, वो अब भी गुस्सा है कि मैंने उसे बताया नहीं। वो कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर रही है। एल्चिन, ऐदा काफी सेंसिटिव लड़की है, मैंने आज तक उससे कुछ भी नहीं छुपाया है, मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मैं समझ सकती हूँ, उम्मीद है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे इस सब का बहुत दुख है। प्लीज तुम दुखी मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे यकीन है डार्लिंग। अच्छा सिनान, सल्दा ने हमें अपने आइलैंड वाले घर पर इनवाइट किया है, पर हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाले थे तो आज मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ, जब तक ऐदा से बात ना कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैं सल्दा से कह देती हूँ कि हम नहीं आएंगे। सब समझने के लिए थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन ऐदा के साथ बितानी चाहिए, उसकी देखभाल करो, हम बाद में मिल लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। बाय बाय। एमएल, जरा सुनना तो। एक्सक्यूज मी, अभी आई मैम। जी सेल्दा मैम। एमएल, आज हम आइलैंड वाले घर जा रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे, आज तुम्हें कोई काम नहीं है, वैसे तुम चाहो तो छुट्टी ले सकती हो। शुक्रिया मैम। हम सुबह तक आ जाएंगे। क्या बात है। गुड मॉर्निंग। ओह हे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। My God, वीकेंड है और मेरा बेटा जल्दी उठ गया है, क्या बात है। डैड हमेशा क्या कहते हैं, जल्दी उठना अच्छी बात है, अब से मैं हमेशा जल्दी उठूंगा चाहे नॉर्मल दिन हो या वीकेंड। इतने कम टाइम में इतना बड़ा बदलाव, ये तो बहुत बड़ी बात है। या फिर तुम मुझसे कोई जरूरी बात छिपा रहे हो या तुम्हें कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए।
तो बेटा जो भी बात है वो मुझे सीधे बता दो। आप गलत हैं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस हफ्ते तुरगुत ने तुम्हारी शिकायत करने के लिए फोन नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम वहाँ काम करना चाहते हो, मतलब तुम बदलने के लिए तैयार हो। तुरगुत आपको फोन करेंगे पर आपको बधाई देने के लिए, वो आपको कॉल करेंगे क्योंकि आपके पास इतना अच्छा बेटा है। ओह, मैं उम्मीद तो ऐसे ही करता हूँ बेटा कि ऐसा ही कुछ फोन आए मेरे पास। मेरा बेटा हर काम ठीक से करता है। अच्छा बेटा, तुम भी हमारे साथ आइलैंड चलो ना। नहीं मॉम, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ठीक कर रहा है सेल्दा, ये वहाँ क्या करेगा? अरे वाह, दोनों बाप बेटे मिल गए हैं, क्या बात है, मुझे तो खुशी है, मुझे ये दिन देखने को मिला है। उम्मीद है मैं तुम्हें दूल्हे की तरह भी देख पाऊंगी और वो भी बहुत जल्दी। हाँ, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मॉम प्लीज, आप फिर से मत शुरू हो जाना प्लीज। पर बेटा, तुम और चार्ला अकेले थे तब तुमने इस बारे में बात नहीं की उससे, की तो होगी ना? नहीं मॉम। पर अब सबको पता चल गया है, हम और देर नहीं कर सकते, हमें तारीख जल्दी ही तय करनी होगी। सेल्दा, बेटा कितनी बार कहा है कि इसी टॉपिक को बार बार मत खींचो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बेटा तुम चार्ला को यहाँ बुला लो, ठीक है? इस तरह तुम्हें घर में अकेले नहीं रहना पड़ेगा, बुला लो उसे अभी फोन करके। नहीं, मुझे अकेले ही रहना है, मैं बस घर पे रहकर थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। देखो कितना परेशान करते हो तुम उसे। हाँ, मैं तो बस हमेशा तुम दोनों का भला चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। ओके ओके, मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला। तो फिर हम चले। आप निकल रहे हैं? हाँ एमल, हम निकल रहे हैं। एदा, एदा बेटा, हेलो हली। हेलो सर, आइए सर। आज मैं ड्राइव करूंगा, तुम छुट्टी ले लो। जैसी आपकी मर्जी सर। थैंक यू सो मच सर, आप आइए मैडम। Have a good trip, sir. Thank you. हेलो शुक्रान, कैसी हो तुम? थैंक यू। सेल्दा मैम और सर आज आइलैंड गए हैं और उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी है। तुम बिजी हो क्या? असल और मैं आना चाहते थे। ओके, ठीक है ठीक है। मेहंदी? मुझे पता नहीं था। अच्छा वहाँ आके बात करती हूँ, ठीक है, जल्दी आती हूँ मैं। बाय बाय। कैसी है मिस एमएल? ओह, आप निहात सर के साथ नहीं गए? उन्होंने कहा कि उन्हें ड्राइव करना है तो मेरी छुट्टी। मेरी भी छुट्टी है आज। सच में? बहुत बढ़िया, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। असल और मैं शुक्रान के वहाँ जा रहे हैं, पर आप तकलीफ मत कीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी मिस एमएल, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है फिर, मैं असल को बोलती हूँ और हम तैयार हो जाते हैं। ओके, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। असल चलो तैयार हो जाओ, हम शुक्राना आंटी के वहाँ जा रहे हैं। मुझे नहीं आना। क्यों बेटा, वहाँ जाके अच्छा लगेगा। मुझे लगा आज मैं घर पे बैठकर ड्राइंग करूंगी, मैंने बहुत टाइम से कोई तस्वीर नहीं बनाई है। आप कहेंगे तो आ जाऊंगी। हुए मेरा बच्चा, कोई जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है तो रहने दो, ठीक है? तुम पेंट करो, रिलैक्स करो। ये कैसी है? बहुत अच्छी है। अगर ऐदा को पसंद नहीं तो मैं कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो अब आप क्या करोगे, उनसे रिश्ता तोड़ दोगे? मैं एल्चिन को नहीं छोड़ सकता। मैं ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए थी। छोड़िए ना डैड, जो हो गया सो हो गया, अब फिक्र मत कीजिए, मैं ऐदा से बात करके सब संभाल लूंगा। उम्मीद तो है।
असल मैं चलती हूँ बेटा। ठीक है मॉम। अब तुम मेरे साथ चलती तो अच्छा होता, यहाँ अकेले बैठ के बोर हो जाओगी तुम। नहीं मॉम, मैं ड्राइंग कर रही हूँ ना। दिखा मुझे। अरे वाह, सच में ये बहुत सुंदर है। असल पता है शुक्राना आंटी के वहाँ मेहंदी पार्टी है, पता नहीं मैं रुकूंगी कि नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, उन्हें मेरा हाय कहना। बिल्कुल कह दूंगी बेटा। असल ज्यादा इधर उधर मत घूमना, संभाल कर रहना, और मैं भी घर पर नहीं हूँ, ठीक है ना बेटा? ओके मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी अच्छी बच्ची। मजे करना मॉम। हाँ बेटा। हली जी, असल नहीं आ रही है, हम जा सकते हैं? कोई बात नहीं, ठीक है तो चलिए। शुक्रिया। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, स्विमिंग पूल के पास आ जाओ। मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है तो फिक्र मत करना। ये ऐसा क्या कहने वाला है? हो सकता है वो कहेगा कि वो चागला से ब्रेकअप करने वाला है। मैं उससे क्या कहूंगी? ये तो नहीं कहूंगी ना कि मत करो, ये भी नहीं कि कर लो। ना मिलना ही अच्छा होगा। पता नहीं वो आएगी या नहीं, वो मैसेज करके पूछेगी कि मुझे क्या काम है और उसे नहीं आना। नहीं आएगी तो जरूर, क्योंकि मुझे पता है वो भी मुझसे दूर नहीं रह सकती। मुझे पता है मुझे नहीं जाना चाहिए, पर मेरा उससे मिलने का दिल करता है। अपनी फीलिंग कैसे कंट्रोल करूं, अपनी फीलिंग्स को हैंडल कैसे करूंगी? साहब, ऐसी कौन सी जरूरी बात कहनी है तुम्हें? तुम्हारी याद आ रही थी। तो तुम बस ये कहने वाले थे? हाँ, फिलहाल इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? तुम्हारी मॉम कहाँ है? कहीं गई है क्या? क्यों, फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं तो। वो मॉम अभी बाहर गई हैं। वाओ, तो तुम और मैं घर में अकेले हैं? हाँ? वो तो छुट्टी पर है ना, एलिफ भी नहीं। हाँ तो अभी आज घर का काम कौन करेगा? नहीं, मैं तो बस जा ही रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहना है, बाय। हे, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मुझे भूख लगी। ठीक है, फ्रिज से कुछ निकाल कर खा लो ना। पर तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिए पास्ता बनाओगी। ठीक है, मैं पास्ता बनाकर निकल जाऊंगी, फिर मत रोकना। ठीक है। सेल्डा, तुम अब भी टेंशन में हो? क्या करूं निहार, अब भी यही सोच रही हूं। किसी ने चुपचाप सिनान और एलचिन की तस्वीरें ले ली और उन्हें एडा को भेज दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा कौन कर सकता है। सोच कर दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया ये सब, किसने किया होगा? बशक ने? कुछ नहीं कह सकते, मुझे तो लगता है कि वही होगी। तो फिर वो जानती है कि एडा को इस रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता, पर उसे ये कैसे पता होगा? किसने बताया उसे? मेरा यकीन मानो, मैंने भी वही सवाल किया था। उफ निहार, मुझे उस औरत से डर लगता है बहुत ज्यादा।
वो हमारी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसमें इतनी ताकत है कि वो जो चाहे पता लगा सकती है। तुम्हें नहीं पता इस बात का? सेल्डा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज तुम इस बारे में मत सोचो, ओके? जब तक वो हमारी फैमिली के आसपास है, मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती और ना मिल पाएगी। पास्ता कहाँ रखा है? वहां पर। ठीक है, पास्ता पक रहा है, उसके साथ सैलेड बना दूं? तुम्हें सैलेड पसंद है? हाँ बिल्कुल, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। ओके, तो तुम सारा सामान निकाल कर धो लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। आसले, जल्दी सैलेड बना दो। हाँ बिल्कुल। आप चाहे तो मुझे यहीं कहीं उतार सकते हैं हलील जी। बिल्कुल। यहाँ पर ना? बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। आप चाहो तो रात को मैं पिकअप करने आ जाऊंगा, वापस जाने में परेशानी नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, और पता नहीं मैं कब वापस जाऊंगी, मुझे देर भी हो सकती है। कोई बात नहीं, तुम जब भी कहोगी मैं लेने आ जाऊंगा। और ये जगह घर से काफी दूर है और कोई बस भी नहीं है, रात को अकेले सड़क पर निकलना ज्यादा सेफ नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिस एमिल, मैं यहीं पर रहता हूँ, तुम कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है फिर, मैं कॉल कर दूंगी, शुक्रिया। तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ना? नहीं। बहुत अच्छी खुशबू है। बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज जैसी। मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। अरे एल्चिन और सिनान ने बताया नहीं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पता नहीं क्या डिसाइड किया होगा उन्होंने। कॉल करके पूछ लो ना। ठीक है, मैं करती हूँ। थैंक यू। एल्चिन, तुम लोग हमारे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी सेल्डा, सिनान को ऐदा के साथ घर पर ही रहना पड़ेगा, तो आज हम दोनों वहाँ नहीं आ पाएंगे। ओह, तुम लोग नहीं आ सकते, चलो ठीक है। लगता है एडा का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ होगा, पर वो सही है, उसे किसी और से पता चला, उसे काफी दुख हुआ होगा ना, तो क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ वही तो, उसके लिए सब बहुत तो मुश्किल रहा है, मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारे लिए भी कहाँ आसान है एल्चिन, मुझे लगता है तुम भी काफी अपसेट ही होगी, है ना? बिल्कुल, जो भी हो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे यकीन है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? मुझे भी यकीन है डियर, नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू। ओके, तो निहाद से हाय कहना और एंजॉय करो वहाँ पर। ओके डियर, बाय बाय बाय। काफी सूट कर रहा है तुम्हें। मैं पहली बार किचन में काम कर रहा हूँ, सैंडविच बनाने के अलावा। सच में? हाँ हाँ सच में। क्या हुआ? तो
तुम्हारी उंगली कट गई, दुख रहा होगा ना? हाँ, काफी दुख रहा है। किस करो ना प्लीज। वेरी फनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बुराक। चलो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम चाहे मुझसे जितना भी क्यों ना लड़ो, तुम्हें मेरी परवाह जरूर है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ थोड़ी सी। ज्यादा खुश मत हो समझे। ओके। तो सॉस लोगे पास्ता के साथ? ऑफ कोर्स। टोमेटो सॉस मेरा फेवरेट है। दिखाओ मुझे। ठीक हो? ओके, खाना तैयार है। डिलीशियस लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो कहाँ खाए? गार्डन में? मैंने कहा था ना पास्ता बनाकर निकल जाऊंगी। असले हमने इतना खाना साथ बनाया, सिर्फ खाना ही तो है, उसके बाद चली जाना ना, इतनी प्रॉब्लम क्या है? चलो खाते हैं। बुराक, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम गार्डन में खा लो, मैं यही खा लेती हूँ। असले प्लीज बकवास करना बंद करो, हम साथ में ही खाएंगे। और वैसे भी आज संडे है, तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं आने वाला है। और मेरे पेरेंट्स भी आइलैंड पर गए, वो कल आएंगे। फिर भी बुराक मुझे फिक्र हो रही है। हे असले प्लीज मेरा यकीन करो, तुम मेरे साथ सेफ हो। और वैसे भी हमें ना ये लुका छुपी का गेम बंद कर देना चाहिए। अब और कोई झूठ नहीं, सिर्फ तुम और मैं, ठीक है? ठीक है, चलो। चलो। ओके, ओके, ओके। मैं गार्डन में जाकर तैयारी कर लेता हूँ, मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं बात करके अभी आती हूँ। हेलो असल, कैसी हो तुम और हो कहाँ? कुछ नहीं, मैं बस घर पे हूँ। तुम बोर नहीं होती? मैं बाहर आई हूँ आयरडम से मिलने के लिए, तुम भी आ जाओ ना, हम साथ मिलकर लंच कर लेंगे। नहीं, हमने साथ में लंच बनाया है, वही खाएंगे। साथ में? हम कौन? बुराक और तुम? हाँ। असले यकीन नहीं हो रहा, पर तुमने खाना कैसे बनाया? वहाँ कोई और नहीं है क्या? नहीं, बुराक के पेरेंट्स आइलैंड पर गए हैं और मॉम शुक्रान आंटी के यहाँ गई हैं। यकीन नहीं हो रहा, कितना अच्छा सेटअप है ना। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों अकेले लंच करने वाले हो? हाँ। सुनो असल, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे गलत मत समझना। बुराक की गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? गौंजा, मैं तो बताना भूल ही गई, वो चागला से ब्रेकअप करना चाहता है, मैंने अपने कानों से सुना। क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि वो तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करता है, वो तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वो मुझसे प्यार करता है क्या? ओहो, तुम भी उससे प्यार करती हो? हाँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अब तुम दोनों अकेले हो तो हो सकता है वो तुम्हें किस करना चाहे। गौंजा कुछ भी मत कहो यार, वैसे भी मैं लंच के बाद निकल जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो मान लिया, पर संभल कर रहा ताकि तुम्हें कोई देख ना ले। ओके, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ, चलो तुम एंजॉय करो। मैं लंच करके निकल जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा, किसी भी हाल में जाना होगा। हमें कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। अभी आखिर क्यों सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा था?
फिर अचानक वो मुझसे दूर क्यों हो गया? तुम खुद से झूठ बोल रही हो चाला। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जब वुल्कान मुझसे दूर था तब वो उस लड़की के साथ था? कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहा था? क्या उसकी वजह आसलू हो सकती है? मॉम, क्या हुआ? आज तो आप सिनन अंकल के साथ हॉर्स राइडिंग पे जाने वाली थी ना? नहीं, नहीं जा रही हूँ। और एक तरह से अच्छा ही है, मेरी प्यारी बेटी घर पर है और मैं उसके साथ टाइम बिता सकती हूँ, अगर बुराक के साथ कोई प्लान ना हो तो। नहीं, हमारे कोई प्लान्स नहीं है। तो उसे यहाँ बुला लो, तुम लोग स्विम कर सकते हो। सेल्डा निहाद भी आज आइलैंड वाले घर पर जाने वाले थे, तो अभी बुराक घर पर अकेला ही होगा। वो अकेला और उसने मुझे फोन तक नहीं किया। पहले तो कोई मौका नहीं छोड़ता था। मुझे यकीन है वो किसी और से मिल रहा है। स्वीटी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं। कल रात तुम्हारे और बुराक के बीच कुछ टेंशन था, है ना? मुझे पता चल गया था, पर मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। पर अब मैं समझ गई हूँ कि कोई सीरियस प्रॉब्लम जरूर है सगाई को लेकर। डार्लिंग, प्लीज बताओगी क्या बात है? बोलो भी, आखिर क्या हुआ था कल? बुराक, कल रात उसने मुझसे कहा कि उसे ब्रेक चाहिए। क्या? हम दोनों की टीम बहुत अच्छी है, घर पे भी और ऑफिस में भी। मैं पास्ता और सैलेड लेकर आती हूँ। ओके गर्ल। आकिफ अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बुराक। सेल्डा मैडम ने ये फूल मंगवाए थे, मुझे लगा इन्हें भी लगा देता हूँ। अच्छा। हाँ, जगह तैयारी है, लगाकर पानी दे दूंगा और क्या। आकिफ अंकल, फूल मैं ले लूंगा, पानी भी दे दूंगा, आप जा सकते हैं। नहीं 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 बेटा, मैं संभाल लूंगा। प्लीज आकिफ अंकल, मैं लगा दूंगा। आपने जगह तो तैयार कर दी है ना, मैं वैसे भी बोर हो रहा था, ये करूंगा तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊंगा। रिलैक्स हो जाओगे, पर क्यों? फूलों को लगाते हुए मुझे सोचने का वक्त मिलेगा और मैं नेचर के करीब भी रहूंगा। तो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर इन्हें अभी लगा देना, भूलना मत। बिल्कुल लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस मुझे बता दीजिए कि कहाँ लगाना और मैं सब कर दूंगा। सब एक कतार में लगा देना, आराम से लगाना। ओके, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने कहा था ना, हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट बेटा। सी यू अंकल। अगर कोई भी घर आए तो पहले मुझे कॉल करना, समझे? मैंने कहा था ना, हम पकड़े जाते तो। रिलैक्स, वो गार्डनर था बस। कोई गड़बड़ हो जाती तो हम क्या करते? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस कुछ फूल लगाने आया था। मैंने कहा मैं कर दूंगा और भेज दूंगा। तुम लगाओगे फूल? उन्हें भेजने का और कोई बहाना नहीं था ना मेरे पास। मैंने कह दिया कि अगर कोई गेट पर आए तो पहले मुझे कॉल कर दे। ठीक है। मुझे बुराक से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो तुमसे ऐसा कैसे कह सकता है? पर अच्छा है तुम शांत रही और कंट्रोल में रही, अगर मैं होती तो इतनी शांत नहीं रह सकती थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ। मुझे लगा हम सगाई की बात करेंगे, पर वो तो ब्रेकअप करना चाहता था।
अगर कुछ और कहती तो शायद मामला और बिगड़ जाता। हाँ, मैंने भी नोटिस किया कि वो सगाई को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, पर इस तरह ब्रेकअप की बात करेगा ये नहीं सोचा था। मॉम, क्या लगता है डेनिस सच बोल रही होगी? बुराक का एटीट्यूड, उसका बर्ताव, मुझे और कोई वजह समझ नहीं आ रही है। मुझे यकीन है कि बुराक कंफ्यूज्ड है, या जरूर किसी ने उसे कंफ्यूज कर दिया है। तो आप भी ये बात मानती हैं? डेनिस जिस लड़की की बात कर रही थी उसके साथ कुछ चल रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ सीरियस होगा। बुराक और मेरे बीच प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो बोर्डम गया था। पेपर की खबरें, हाथ में हाथ डाले हुए तस्वीरें, उसका गायब होते रहना, बिल्कुल मुझे यकीन है तब भी उनके बीच कुछ हुआ होगा। चार्ला, प्लीज खुद को दोष मत दो। तुम बुराक से प्यार करती हो और हम जिससे प्यार करते हैं उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती। हम उनके और हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच पाते। पर मैं तो अंधी हो गई थी ना मॉम, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था पर मैं देख ही नहीं पाई। मैंने उसे बहुत आसानी से मुझे बेवकूफ बनाने दे दिया। चला बस करो, तुम खुद को बीमार कर लोगी। शांत हो जाओ प्लीज। आखिर कैसे शांत रहूं मॉम? उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे दिखा दूंगी मुझे बेवकूफ बनाने का क्या नतीजा होता है, मुझसे पंगा लेने चला है। पर पहले मैं आसले से निपटती हूँ। चार्ला, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.